एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर वाले पार्ट में प्रजेंट होते हैं सो हाइली रिएक्टिव मेटल्स का मतलब है जो इन्वायरमेंट में इजीली रिएक्ट करके ऑक्साइड्स या कुछ और कंपाउंड फॉर्म कर ले अब हम इन हाईली रिएक्टिव मेटल्स को इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से उन्हें उनके प्योर स्टेट में कन्वर्ट करेंगे दैट इज ये मेटल्स अभी फिलहाल दो तरीके के कंपाउंड्स में प्रेजेंट होंगे फर्स्ट वन इज़ क्लोराइड कंपाउंड्स एंड सेकेंड वन इज ऑक्साइड कंपाउंड्स या हम कह सकते हैं मेटल क्लोराइड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स मेटल क्लोराइड्स को जब हम इलेक्ट्रोलिस के प्रोसेस के थ्रू पास करवाएंगे तो मेटल एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और बाकी बचे हुए एनायंस दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाएंगे सो so, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को अगर हम समझें तो इलेक्ट्रोलिसिस काफ़ी इजी प्रोसेस है इसमें हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं थ्रू अ मोल्टन स्टेट ऑफ मेटल ऑक्साइड या मेटल क्लोराइड जब कभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो जो टर्मिनल हमारा नेगेटिव से कनेक्ट होता है वो होता है कैथोड और एक टर्मिनल हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट होता है वो होता है एनोड और दोनों टर्मिनल्स को हम बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट करके इस लिक्विड या मोल्टेन स्टेट में डाल देते हैं ताकि चार्जेस फ्लो करें और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच मेटल से दैट इज कैथोड से पॉजिटिव आयन्स जाके अटैच हो जाए और पॉजिटिवली चार्ज साइड दैट इज एनोड एनोड से नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस जाके अटैच हो जाए बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करते हैं सो so, जब कभी भी हम मेटल क्लोराइड्स के मोल्टेन स्टेट से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे या इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड परफॉर्म करेंगे तो कैथोड पे हमारा प्योर मेटल जाके अटैच हो जाएगा या डिपॉजिट हो जाएगा और एनोड पे हमारा क्लोरीन गैस जाके डिपॉजिट हो जाएगा दैट इज़ क्लोरीन एक नेगेटिव आयन है तो वो पॉजिटिवली चार्ज एनोड पे जाएगा और हमारा मेटल एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है सो so वो एक नेगेटिवली चार्ज मेटल पे जाएगा दैट इज कैथोड सेम इसी मेथड को हम मोल्टेन मेटल ऑक्साइड के लिए भी यूज करेंगे यहाँ पर भी हमारा मेटल पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है तो वो कैथोड से जाके अट्रैक्ट होगा बिकॉज कैथोड नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल है सेम इसी तरीके से जैसा क्लोरीन में हुआ था उसी तरह से ऑक्सीजन जाके पॉजिटिवली चार्ज साइड से अटैच हो जाएगा बिकॉज ऑक्सीजन एक एनआईन है और हमें हमारा मेटल उसके प्योर स्टेट में मिल जाएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल अगर हम सोडियम मेटल की बात करें तो सोडियम मेटल एक हाईली रिएक्टिव मेटल है इट मीन्स सोडियम को हम इलेक्ट्रोलिसिस से उसके प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे लेकिन हम इलेक्ट्रोलिसिस किसकी करेंगे दैट इज सोडियम क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे सोडियम मेटल फॉर्म होगा प्लस क्लोरीन गैस बनेगी सो वी कैन सी कैथोड और एनोड पे क्या होगा कैथोड पे Na+ ए आयन्स प्रेजेंट होंगे और ये एन ए कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करते रहेंगे और सोडियम के एटम्स और सोडियम के एटम्स फॉर्म करते रहेंगे एंड एनोड पे क्या होगा एनोड पे सी एल माइनस प्रेजेंट होंगे और ये एनोड पर से इलेक्ट्रॉन लूज करते रहेंगे और क्लोरीन गैस फॉर्म करेंगे